हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं जो पिता ने हम सभी को जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। इसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे, ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में, निराशा में, बेचैनी में, हताश निराश हैं, यदि आप गरीबी में हैं, तकलीफ में जूझ रहे हैं, बीमारियों में जूझ रहे हैं, तो पिता परमेश्वर से बताएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है। पिता को हमारा ध्यान रहता है, वो जुलावर परमेश्वर है, ठीक है, उसको हमारा ध्यान रहता है। पिता ने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, हो जाएगा, पिता ने कहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को विश्वास में बने रहना, आड़े खड़े रहना। यीशु मसीह ने कहा है यदि तेरा विश्वास राय के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से या इस पेड़ से कह देगा, उखड़कर अलग उस स्थान पर चला जाता हुआ तुम्हारी बात मान लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास में मजबूत बने रहना है, ठीक है। संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से उछलती बहती जाती हैं, ठीक है। तो हम सभी को संदेह नहीं करना है, पिता में विश्वास करना है, ठीक है। पिता हमारे दुखों को आंसुओं को पोष डालेगा परमेश्वर, ठीक है। प्रार्थना को लास्ट तक सुने, लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, आपने जो आपने हम सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे प्रभु। कितने मनुष्य होंगे मेरे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे मेरे प्रभु, वे मर गए होंगे पिता, और वो ऐसे स्थान पर चले गए होंगे मेरे प्रभु जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते मेरे स्वामी। मेरे पिता, जो आपने हम सभी को चुना है, इस संसार से चुन के अलग कर दिया है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। मेरे पिता, मेरे स्वामी, हम चाहते हैं मेरे पिता, खास दौर से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता जो बीमार पड़े हुए हैं मेरे पिता, जो बीमारी में ग्रस्त हैं मेरे पिता, जो तमाम इलाज दवाइयाँ करा चुके हैं मेरे प्रभु, फिर भी वे नहीं ठीक होते मेरे स्वामी। मेरे प्रभु, हम चाहते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पूरे विश्वास के साथ मेरे पिता, वे हील होने पाए पिता, वे आजाद होने पाए मेरे पिता, वे बेड छोड़कर उठकर बैठने पाए मेरे प्रभु। पिता, किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे प्रभु कि वे अपना इलाज करा सके मेरे पिता, आप इन भाई बहनों को चंगाई दीजिए मेरे पिता, चंगाई उंडेल दीजिए यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। आपके ना कोई तुल्यवाद, ना कोई उपाय इस जगत में मेरे प्रभु। मुर्दों को जिलाने लिए, अंधों को दृष्टि देने लिए, कुड़ी अपाहिजों को शुद्ध करने लिए यहोवा जुलावर है मेरे स्वामी। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रभु, आपके नाम से मांगते, आपके नाम से आदेश देते इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, ये भाई बहन चंगे होने पाए मिता, ये हील हो जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं। मेरे पिता, आपका वचन कहता है वह तुझे महामारी से और बहेलियों की जाल से बचाएगा, छुड़ाएगा मेरे प्रभु, आपने सब वचन में कहा है मेरे प्रभु। मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो गरीब है पिता, जो लाचार है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो कमाने वाले नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आप उनके हाथ कमाने वाले बनाइए मेरे प्रभु, जो उधर हाथ फैला रहे हैं पिता, उधार ले रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, ये उधर हाथ ना फैलाने पाए मेरे यीशु मसीह। मेरे पिता, पिता ये बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बन जाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे पिता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे मेरे स्वामी। मेरे पिता, आपके नाम से मांगते, आपके नाम से आदेश देते मेरे पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के प्रासीस से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए,
पिता इनके घरों के शीशे कुंडेल दीजिए पिता, ओ स्वर के झरोखे खुल जाए, शीशे खुल जाए, बंद दरवाजे शीशे खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता ये बहुतेरी जातियों को उधार देने बन जाए पिता परमेश्वर, पिता ये बहुतेरी जातियों को उधार देने बन सके यीशु मसीह आपके नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता इनका शोक आनंद में बदलने पाए पिता, इनकी उदासी हंसी में बदलने पाए यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता। आपने कहा है धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे पिता आपने धन्य कहा है उस पुरुष को मेरे पिता, जो बुरी संगत में नहीं बैठता है। मेरे पिता, मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी को बुरी संगत में नहीं बैठना है, हंसी ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हृदय मनों को परखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुना हुए हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है मेरे स्वामी कि आप हम सभी के पापों को गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। हम मानव जाते हैं पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, उससे पाप गलती गुनाह हो सकते हैं मेरे पिता, हम सभी से पाप हो सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं, गुनाहों में गिर सकते हैं मेरे पिता। इसलिए आपने कहा है तो अपने पापों को मेरे सामने मानो, पश्चाताप करो, उनको मैं हिमकिनाए स्वच्छ कर दूंगा, उजला कर दूंगा, दूध के समान व्हाइट कर दूंगा मेरे प्रभु। आपने कहा मेरे पिता आप अपने लहू से शुद्ध करें, लहू से शुद्ध करें मेरे पिता, जिस प्रकार से मेरे प्रभु आप पवित्र हैं मेरे स्वामी, उसी प्रकार से मेरे पिता आप हम सबों को भी पवित्र बनाइए मेरे पिता। पिता अपनी करुणा के अनुसार मेरे पिता हम सभी के पर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता हम सभी के अपराधों को मिटा डाल मेरे स्वामी। यश हालेलुया, धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु, पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता जो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद हो रहा है मेरे स्वामी, मेरे पिता हम चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पिता इनके घरों से लड़ाई झगड़ा बंद होने पाए पिता, वे घर आजाद होने पाए मेरे पिता। जो शैतान के घरों में कार्य कर रहा है मेरे पिता, किसी न किसी मनुष्य को तरह मेरे पिता आपके नाम से कौसो दूर खदेड़ दिया जाए यीशु के नाम से मेरे पिता। आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं मेरे पिता, बीमारियां कौसो दूर भागती हैं मेरे ईश्वर मेरे पिता। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता जिनके जीवन में शैतान कार्य करता है, जो शैतान इन्हें परख रहा है मेरे पिता, मेरे प्रभु आपके नाम से मेरे पिता वो लड़ाई झगड़ा बंद होने पाए मेरे पिता। पिता आपस में रहने पाए, प्रेम से रहने पाए मेरे पिता, आपने इन्हें जोड़ा है पिता, ये एक तन है मेरे पिता। पिता आपने कहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे मेरे प्रभु, आपने कहा है ऐसा वचन में मेरे पिता। इन सबों की सहायता करे, रक्षा करे, अगुवाई करे मेरे पिता। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो काम के लिए बाहर गए हैं मेरे पिता, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही मेरे पिता, उन्हें नौकरियां दीजिए मेरे स्वामी, मेरे पिता ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे आए मेरे पिता, आप उनका जीवन संभाल लीजिए मेरे पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता, मनुष्य निर्बल है पिता मेरे पिता, हम सभी को टूटने बिखरने ना दीजिए मेरे पिता। जो भी हमारे मसीह बहन पिता इस प्राणों को सुन रहे मेरे पिता, वे अपनी बीमारियों से आजाद होने पाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता, भय लगता, गंदे सपने, ख्याल विचार आते मेरे पिता, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू यीशु की नींद आएगी मेरे प्रभु, आपने कहा है वचन के माध्यम से मेरे पिता। इस वचन के द्वारा पिता हर एक मसीह भाई बहनों की सहायता करें, मदद करें मेरे पिता, ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन और आमीन।